आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने आठवीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या एक, जो कि 9 जुलाई के लिए है, उसको लेकर हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में हम पर्यावरण, जो आपका विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और फिर उससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखिए। अब देखिए, आपको ये सामने चित्र दिया गया है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहाँ दिया है पर्यावरण के घटक। तो जो आपका पर्यावरण है उसके कई घटक होते हैं। तो एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता मानव और तीसरा होता मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक यानी जो हमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ें पर्यावरण में उपस्थित होती हैं वो प्राकृतिक होते हैं, जैसे जल, वायु, स्थल और सजीव, जैसे पेड़ पौधे हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, ये सब क्या हो गए, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा हो गए। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्राकृतिक घटक होता है उसमें जल, वायु, स्थल और सजीव मंडल आता है, यानी जिसे आप जीव मंडल बोलते हो ये पूरा आता है। मानव में यानी मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब ये सांस्कृतिक जो मानव द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो पहलू, जैसे परिवार हो गया, हमारा समुदाय हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, अध्यापक हो गया, विद्यार्थी हो गए, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आर्थिक में मजदूर हो गया, राजनीतिक पार्टियां हो गई, देश हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये मानव जो है पर्यावरण के घटक होते हैं, वो मानव वाले घटक होते हैं। तीसरा आपका होता है मानव निर्मित, यानी ऐसे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण में ऐसी चीज़ें जिनको मानव बनाता है, यानी जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे पुल हो गया, सड़क हो गई, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, विद्यालय हो गया, इमारत हो गई, पार्क हो गई, ये सब क्या होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मानव निर्मित पर्यावरण के घटक होते हैं। अब आपके सामने प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के तीन तीन उदाहरण लिखना है। तो यहाँ जैसे आप क्या लिखेंगे, जल, स्थल, वायु, यहाँ आप क्या लिखेंगे, मानव में परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, मानव निर्मित के ऊपर है, जैसे पुल हो गया, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, या लिखेंगे। तो मैं आशा है आप ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से पर। ये क्या है, आपको अब आपने पर्यावरण के घटक देखे थे, लेकिन पर्यावरण में जो प्राकृतिक घटक होता है उसके आपने देखे होंगे चार हिस्से रहे होंगे, जल से संबंधित जलमंडल, वायु से संबंधित वायुमंडल, स्थल से संबंधित स्थल मंडल और ऐसा मंडल, जल, वायु और स्थल को मिला के जहाँ पर जीव पाए जाते हैं वो जीव मंडल होता है। तो स्थल मंडल को पढ़ते हैं, वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थान प्रदान करता है, वह खनिज संपदा का एक स्रोत होता है। यानी स्थल मंडल क्या होता है, जो भू का ऊपरी परत होती है, जहाँ पे मानव की बस्तियाँ बसती हैं, कृषि के लिए खेती होती है, वन होते हैं, पशु चराए जाते हैं और यहीं से मानव संपदा की जो चीज़ें होती हैं, खनिज संपदा, वो जल, ऐसे क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यानी यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के कोई प्राणी जीवित नहीं होगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, तो जल सबके लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली जो वायुमंडल परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, सूरज की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की मोटी परत होती है, वो वायुमंडल कहलाती है, पतली परत होती है, और ये इसको जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसे थामे रहता है, नहीं तो ये तिधर बितर हो जाता है, ऐसी परतें ना पाई जाती। और वायुमंडल क्या करता है कि जो सूर्य से झुलसाने वाली
गर्मी और जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं तो पर्यावरण की जो वायुमंडल की परतें होती हैं वह उन्हें परावर्तित कर देती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, इससे हमारे पृथ्वी पर मौजूद जीवों की रक्षा होती है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवित होते हैं। यानी आप देखेंगे कुछ पक्षी हवा में चलते हैं, कुछ जल में चलते हैं, कुछ स्थल पर जीव होते हैं, तो ये तीनों जो होते हैं जीव मंडल कहलाते हैं। ये पृथ्वी के थोड़ा ऊपर और पृथ्वी के थोड़ा नीचे और जलमंडल स्थल मंडल पर पाया जाता है। अब आपको क्या करना है, सही जोड़े मिलाना है। आपके पास देखिए पर्यावरण क्या है, यानी हमारे आसपास का क्षेत्र जलमंडल का है, जलीय क्षेत्र। वायुमंडल क्या है, ये जलमंडल का है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं वो जलमंडल होता है। तो बच्चों आज ये आपकी जो नए 8th क्लास की है उसका सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की आपकी पहली वर्कशीट ही समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो देख के काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ होगा और आप अपनी वर्कशीट पूरी करके और अपने क्लास कक्षाध्यापक या विषय अध्यापक से चेक कराएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। हमारे अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारा चैनल पसंद आया तो उसे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।